इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है जिसमें आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे वाला बटन भी दबाइए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 43,60,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 43,60,000 रुपीज़, वो भी पूरा टैक्स फ्री। अब मैं आपको सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट की तीन सबसे खास बात बता देता हूँ। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट है आप वहां पे जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात, अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की ही एफडी से या आरडी से, तो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट में आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब साथ ही साथ मैं आपको अब टैक्सेशन की बात करता हूँ। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टैक्सेशन की। पीपीएफ में जहाँ आपको एफडी में आरडी में टीडीएस भी आपको जमा करना पड़ता है, आपको एटीसी में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। साथ ही साथ जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी पूरा टैक्सेबल होता है। साथ ही साथ इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी कहीं पे टैक्स होता है कहीं पे नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करता हूँ पीपीएफ की, तो सबसे पहले बात, कोई आपको टीडीएस जमा नहीं करना होता। आपको एटीसी में इनकम टैक्स का जो एटीसी सेक्शन होता है वहाँ पे भी आपको फायदा मिलता है। आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे भी आपका पूरा टैक्स फ्री होता है, इंटरेस्ट पूरा टैक्स फ्री होता है। साथ ही साथ जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी पूरा टैक्स फ्री होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट की सामान्य जानकारी, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट का क्या क्या टैक्स बेनिफिट है वो बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट में अगर आप 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और कैसे काम करता है। पीपीएफ अकाउंट में आपको हर साल पैसे जमा करने होते हैं 15 साल तक। आप चाहें तो मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे चाहें आप वैसे पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको हर साल जमा करना होगा। 15 साल लगातार आपको जमा करना होगा। 15 साल बाद आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती। किसी भी उम्र का व्यक्ति के नाम से पीपीएफ अकाउंट ओपन हो सकता है और उसमें पैसे जमा हो सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आपके बच्चों की एज 10 साल से कम है तो आप उनके नाम से पीपीएफ अकाउंट डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, आपको उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना होगा। और जब बच्चों की 10 साल से ज़्यादा हो जाएगी तब वो अपना अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट खुद ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 10 साल से पहले वो ज्वाइंट अकाउंट रहेगा, 10 साल के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट सिंगल अकाउंट कर लेंगे पीपीएफ अकाउंट में। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट 1 साल में जो होती है वो 500 रुपये है और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 1 साल की है 1.5 लाख रुपये। मतलब कोई भी व्यक्ति 1 साल में कम से कम 500 रुपये तो जमा कर नहीं होगा और मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति, मतलब चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास का हो या अमीर इंसान हो, हर वर्ग का व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन बस ध्यान ये देना है कि मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ही जमा हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या फ्लेक्सिबल डिपॉजिट हो सकता है। जी हाँ, आप
पीपीएफ अकाउंट में फ्लेक्सिबल डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी महीने आपने 500 कर दिए, किसी महीने 5000, किसी महीने 10000, किसी महीने आपने 2000 रुपये कर दिए, या किसी साल आपने 1 लाख रुपये कर दिए, किसी साल आपने 10000 रुपये कर दिए, किसी साल आपने 50000 रुपये कर दिए। लेकिन जो मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट है उसका ध्यान रखना है, और ये 1 साल की लिमिट है। 1 साल की मिनिमम लिमिट है 500 रुपये, मतलब कम से कम आपको 500 रुपये तो 1 साल में जमा करना ही है, चाहे वो महीने के करें आप या हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली। और मैक्सिमम आप 1 साल में 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लिमिट बताई थी आपको, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये, ये आप चाहे तो साल में एक बार करें या साल में 12 बार। मैक्सिमम लिमिट 12 बार की है और मिनिमम लिमिट 1 बार की। इसका मतलब ये है कि आप अपना जो पीपीएफ अकाउंट का पैसा जो आपको जमा करना चाहते हो, आप कम से कम 1 बार में जमा कर सकते हैं या मैक्सिमम 12 बार में ही जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के जो टेन्योर के बारे में। तो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट 15 साल का होता है और ये पूरा 15 साल का लॉक इन भी होता है। हालांकि 15 साल पूरा होने के बाद आप 5-5 साल के लिए इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के लिए। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में तो 15 साल का ही करना पड़ेगा पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट, 15 साल के बाद आप चाहते हो अगले 5 साल के लिए और डिपॉजिट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 5 साल और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अगर बढ़ाना चाहें तो उसके आगे भी 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में इस टाइम पे 7.9% का एनुअली इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो पूरा टैक्स फ्री है। आज की डेट 6 दिसंबर 2019 है। अब मैं बता देता हूँ, बैंक में भी यही इंटरेस्ट रेट मिलेगा और पोस्ट ऑफिस में भी ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बैंक के पीपीएफ में और पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग पीपीएफ को ईपीएफ या पीएफ जैसा ही, मतलब पीपीएफ को ईपीएफ और पीएफ ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास ईपीएफ या पीएफ है वो भी लोग पीपीएफ में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले एक इंसान एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान दो तीन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर ले, कि आपने बैंक में भी, आपके अगर मान लो 2 बैंक अकाउंट है तो आपने दोनों में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लिया, आपने फिर पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में करें या अपने बैंक में करें, लेकिन एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन होगा और कोई भी यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं होगा, सिवाय जो मैंने आपको बताया था कि 10 साल से छोटे अगर बच्चे हैं तो उनके साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी भी एज 10 साल हो जाएगी तो ज्वाइंट अकाउंट बंद हो जाएगा। सिंगल अकाउंट आपको इंडिविजुअल अकाउंट करना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट में आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है, और अगर मान लीजिए आप प्री मैच्योर क्लोजर भी हो सकता है आपका पीपीएफ अकाउंट का। ये सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि या तो बहुत सीरियस कोई बीमारी हो जाती है या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या कोई भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियस अगर कंसर्न आता है तो ही आप अपना पीपीएफ अकाउंट बीच में बंद कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में बंद नहीं होगा। 15 साल का लॉक इन होता है पीपीएफ अकाउंट में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा अपना कैश में भी जमा कर सकते हैं, चेक से भी और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इसमें आप अपने नॉमिनी को भी, किसी को अपना नॉमिनी बनाइए, चाहे अपने बच्चों को बनाइए, अपनी वाइफ को बनाइए, पेरेंट्स को बनाइए, लेकिन नॉमिनी ज़रूर बनाइए। आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या पोस्ट ऑफिस की एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस ब्रांच से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। यहाँ पे आपको सबसे पहले 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट है और ATC में आपको फ़ायदा मिल जाता है, हर इंसान यहाँ पे ATC के बारे में जानता है। दूसरा, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करोगे वो पूरा टैक्स फ्री होता है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री होगा। अब बात कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये साल का जमा करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, चाहे पोस्ट ऑफिस में करें या बैंक में करें, अगर आप 10,000 रुपये साल का जमा करते हैं, ईयरली पे करते हैं, और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ एक बार में ही आप पे करते हैं, तो और 15 साल के लिए करना पड़ेगा आपको, तो 7.9% जो इस टाइम पे पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका टोटल डिपॉजिट हो जाता है 1.5 लाख रुपये।
और टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,40,700 रुपये का, और टोटल मैच्योरिटी जो मिलेगी वो आपको 2,90,700 रुपये की मिलेगी। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा, मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होगा। और यहाँ पे जैसे आपने 10,000 रुपये साल का जमा करते हैं मतलब एक बार में ही, तो भी वो आपको ATC में बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप 25,000 रुपये से 25,000 रुपये एक बार में जमा करते हैं, हर साल जमा करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पहले 10,000 रुपये का बताया था, यहाँ पे एक बार में ही आपको पे करना होगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से, और 15 साल तक हर साल आपको 10,000 रुपये जमा करना होगा, तब आपका ये अमाउंट बैठेगा 2,90,000 रुपये का। अगर आप एक बार में ही 25,000 रुपये जमा करते हैं, हर साल जमा करते हैं 15 साल तक, तो 7.9% के हिसाब से आपका टोटल डिपॉजिट हो जाता है 3,75,000 रुपये का, और मैच्योरिटी आपको मिलेगी लगभग 7,26,700 रुपये की। ये पूरा टैक्स फ्री होगा। अगर आप 50,000 रुपये एक बार साल में एक बार जमा करते हैं और 15 साल तक हर साल जमा करते हैं, तो आपको टोटल डिपॉजिट हो जाता है 7,50,000 रुपये का, और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 14,53,500 रुपये की। वहीं अगर आप 1,00,000 रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक, और ये 1,00,000 आपको एक बार में ही पे करते हैं, तो उसके हिसाब से है ये कैलकुलेशन, तो टोटल डिपॉजिट हो जाता है आपका 15,00,000 रुपये का, और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा लगभग 29,07,000 रुपये। ये पूरा टैक्स फ्री होगा। अगर आप 1,50,000 रुपये जमा करते हैं एक बार में ही, और हर साल जमा करते हैं 15 साल तक, जो कि मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपये, तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाता है 22,50,000 रुपये का, और मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगी वो हो जाती है लगभग 43,60,500 रुपये की। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो 15 साल बाद, 15 साल पूरा होने के बाद 5-5 साल के लिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मिनिमम माना था 10,000 रुपये से कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी, आप चाहो तो 5,000 या 1,000 रुपये से भी कर सकते हैं। आप मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।